आप सब हमारे इवेंट पे आए, दे आर वेरी वेरी ग्रेटफुल है। जो जो डिफरेंस है, जो आपको ऑफकोर्स एक बार जब जब हम इनॉग्रेशन करेंगे उसके बाद आप सब टेस्ट करेंगे, आपको हमारा रियो स्ट्रॉन्ग रेड जो है आपको पता है, वो तो काफी साल से इसे चल रहा है, सिर्फ चंडीगढ़ में ही लेकिन बाकी के जगह में भी वो काफी स्वीट है, और जिसको स्वीट स्वीट मीठा पसंद है वो रियो स्ट्रॉन्ग पिएगा। लेकिन कोई कोई कस्टमर जो है जो बोल रहे थे कि दे डोंट वांट दैट स्वीट, कम स्वीट चाहिए, तो इसलिए हमने एक नया ब्रांड निकाला है रियो स्ट्रॉन्ग एक्स्ट्रा ड्राई, जो स्वीटनेस में कम है, दम वही है, वही रियो स्ट्रॉन्ग वाला दम है लेकिन स्वीटनेस कम है। अरे वाह। और ये कंपनी के हिस्ट्री के बारे में, तो एक्चुअली मैं जो है मैंने ये बिजनेस मैंने बाय एक्सीडेंट एक्चुअली हो गया, मेरा कुछ वाइन का कुछ बैकग्राउंड नहीं था, मैं ऑस्ट्रेलिया में था वर्किंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने सीए की डिग्री की, उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया में मैं माइग्रेट हो गया और मुझे वापस आना नहीं था इंडिया। उसके बाद लेकिन दो तीन साल के बाद एक्चुअली मेरी मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा इंडिया। ये 10 साल पहले की बात है। और फिर मैंने सोचा कि अगर मैं वापस इंडिया आ जाऊँ तो मैं करूँ क्या, मुझे एज अ सीए मुझे काम नहीं करना था, मुझे कुछ बिजनेस आइडिया मुझे चाहिए था कैसे भी कर। ऑस्ट्रेलिया में तभी मैं वाइन पीता ही नहीं था, मुझे वाइन क्या था मुझे कुछ भी पता नहीं था, मैं सिर्फ बियर पीता था तभी, और विस्की जैसे हम इंडियंस ज्यादा पीते हैं। लेकिन एक दोस्त ने मुझे इंट्रोडक्शन किया वाइन से, और उसने बोला कि ये वाइन तो कुछ अलग ही है, इसमें कितने सारे वैरायटीज हैं, ये कुछ स्पेशल है वाइन में। एंड ऑफ द डे लास्ट में मुझे एक बॉटल एज वेजेस एज ये मिलता था, एज क्या बोलते हैं डेली कमाई बॉटल, हाँ बॉटल ऑफ वाइन, पैसे नहीं। तो ऐसे मैंने शुरुआत की वाइनरी के जो जो फ्लोर है मैंने झाड़ू किए, सब टैंक साफ किए, और ऐसे एक दो दिन के लिए नहीं, एक साल के लिए किया मैंने। तो ऐसे ही मैंने ग्राउंड अप से मैंने सीखा कैसे वाइन बनाना, और उसके बाद मैं वापस आया इंडिया। इंडिया में तो आपको पता है नासिक इज द वाइन कैपिटल इंडिया, और मैं ओरिजिनली बॉम्बे का हूँ, तो नासिक वॉज द नेचुरल चॉइस टू सेट अप अ वाइनरी। तो फिर वहां पे मैंने एक वाइनरी में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर किया, और पहला ब्रांड हमारा रियो वाइन मैंने चालू किया 2011 में। 2013 में हमने खुद की वाइनरी डाली नासिक में ही, और तब से फिर हमने ब्रांड का पोर्टफोलियो हमने बढ़ा दिया। आपको तो पता ही होगा कि हमारा कासाब्लांका स्पार्कलिंग वाइन है, फ्रिजानो स्पार्कलिंग वाइन है, गुड अर्थ वाइन्स है, ब्लर ब्लांका, और ऑफ कोर्स रियो, रियो स्ट्रॉन्ग, रियो स्प्रिट्जर, और आज हम ये नया ब्रांड जो है ये लॉन्च कर रहे हैं। हमने 4-5 साल हो गए एक्चुअली यहाँ पे हमने चालू किया, तभी हमको एक्चुअली कॉन्फिडेंस नहीं था क्योंकि नॉर्थ काफी दूर है, लोग नॉर्थ मार्केट तो बात की बात खोलते हैं, लेकिन हमने क्या हमने मैंने रिस्क लेके हमने चालू किया, एंड हमें खुशी हुई कि हमने वो रिस्क ले लिया, और चंडीगढ़ ने रियो को अपना लिया। तो इसलिए आई वॉन्ट टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच।